नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 की। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो इधर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव में अपनी तैयारियों को लेकर विचार मंथन की मैराथन बैठक में व्यस्त है। लेकिन चुनाव में परिणाम का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो चुनाव के परिणाम आने पर ही पता चलेगा। बीजेपी जहां अपने परिणाम को दोबारा दोहराना चाहेगी, वहीं विधानसभा में मिली जीत से उत्साहित होकर परिणाम अपने पक्ष में करना चाहेगी। लेकिन कहते हैं ये जनता है, सब जानती है। चुनाव में किसे टिकट मिलेगा, किसके पत्ते कटेंगे और कौन टिकट की दावेदारी में फिट कर पाएगा, ये सब बातें भविष्य के पर्दे में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस टिकटों का बंटवारा किस आधार पर करेगी। क्या जातिगत समीकरण हावी होंगे, या बागियों की घर वापसी होगी, या पैराशूट कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। इन्हीं सब बातों पर आज की चर्चा शुरू करें। इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा 2019 के चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियों की बैठकें शुरू हो गई हैं। ऐसे में प्रदेश की सत्ता में काबिज कांग्रेस ने आज चुनाव समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कमेटी चेयरमैन अविनाश पांडे से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बैठक में बूथ प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले लोकसभा कोऑर्डिनेटर, जिला प्रभारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में मिशन 25 को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। लेकिन इन सबके बीच विधानसभा चुनाव को याद करो, जब कांग्रेस का टिकट वितरण हुआ था, क्या क्या रूप देखने को नहीं मिला। लेकिन इन सबके बीच विधानसभा चुनाव को याद करिए, जब कांग्रेस का टिकट वितरण हुआ था, क्या क्या रूप देखने को नहीं मिले थे हमें। टिकट बंटवारे के बाद भी कई नाम लिस्ट में जुड़े, तो कई उम्मीदवारों को टिकट मिलने के बाद उनके टिकट वापस ले लिए गए। भारतीय राजनीति में टिकट बंटवारा हमेशा जातिगत दलगत रूप में हावी रहे हैं, तो क्या कांग्रेस उन्हीं सब बातों को वापस लोकसभा चुनाव में दोहराएगी, ये आने वाले टिकट वितरण में साफ नजर हो टिकट वितरण के समय देखने को मिलेगा। वही कमें तो आपने देखी ये रिपोर्ट हमारी, और जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के टिकट वितरण में किस तरीके की बातों का ध्यान रखा जाएगा, क्या बागी नेताओं को वापस शामिल किया जाएगा, या जातिगत समीकरण होंगे, या फिर वो व्यक्ति जो कि अपने सीट पर काबिज हैं, जिन्होंने अपना प्रभुत्व जमा रखा है, वो सब रहेंगे, या फिर कुछ ऐसे नए लोग, नए चेहरे निकल कर आएंगे, युवा चेहरे निकल कर आएंगे जो अपना स्थान बनाएंगे। हमारे साथ अर्चना शर्मा जुड़ चुकी हैं, उपाध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, साथ ही हमारे स्टूडियो से रहमत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले हमारे स्टूडियो जाना चाहता हूं, रहमत के पास जाना चाहता हूं। रहमत, बहुत करीब से कांग्रेस की सारी गतिविधियों को आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बार, किस तरीके की आपको उआफो दिख रही है, या किस तरीके का आपको गणित दिख रहा है कांग्रेस में, कि ये सारे गणित पर चुनाव के कैंडिडेट या टिकट बांटे जाएंगे। अतुल जी, जिस प्रकार से अगर कांग्रेस के टिकट वितरण की बात करें, तो पिछली विधानसभा चुनाव की बात करें और उस पर थोड़ी नजर डालें, उससे पहले पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें, तो देखा जाएगी जब राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से रैलियों में, सभाओं में जिस प्रकार से उन्होंने संबोधन किया कि पैराशूट को टिकट नहीं दिया जाएगा और युवाओं को टिकट दिया जाएगा, महिलाओं पर फोकस रखा जाएगा, जिस प्रकार ने उन्होंने कहा, उसके बाद में टिकट वितरण हुए, तो उस आधार पर नहीं टिकट वितरण हुए थे, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने, कांग्रेस के आला नेता, हमेशा अपने बयानों में कहते आए। अब उसके बाद में जब टिकट वितरण हुए, टिकट वितरण होने के बाद में कांग्रेस में आपसी जो अंदर खाने में बगावत के सुर आए, सामने निकल कर भी आए, कई नेता आपस में बागी भी हुए और बागी होकर के चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए कई नेता। अब लोकसभा चुनाव पर नजर डाले तो पिछले 5 सालों में जो मोदी सरकार थी, मोदी सरकार को घेरने के लिए
कांग्रेस ने काफी प्रयास किए, राफेल का मुद्दा ले लो, पेट्रोल महंगाई का मुद्दा ले लो, या अन्य महंगाई के मुद्दों ले लो, किसानों की बात ले लो, या बेरोजगार युवाओं की बात ले लो, तमाम मुद्दों पर लगातार कांग्रेस ने मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत घेरा। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों तक मोदी का जो प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान में है उनका असर जो है काफी कम हो गया था, लेकिन अब जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद में काफी लोगों का जो माहौल है, जो रुझान है, वो कुछ मोदी की तरफ लग रहा है, ऐसा कयास लगाए जा रहे। अब कांग्रेस अब टिकट वितरण में कुछ दिन पहले जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लोगों का रुझान मोदी की तरफ हो गया है, तो क्या 25 सीटें जिस कांग्रेस जो कैंडिडेट खड़ी करेगी, 25 सीटों पर खड़ा करेगी, उसमें क्या ऐसे कोई फैक्टर होगा जो इस फैक्टर को कम कर पाएगा, या ऐसे कोई कैंडिडेट होंगे जो इस फैक्टर को कम कर पाएंगे? देखिए अतुल जी, इसमें देखिए इसमें ये बात है कि कांग्रेस के अब कांग्रेस उन कैंडिडेट जो ढूंढने में लग गई है, जो जीताऊ कैंडिडेट हो, इसमें चाहे वो मंत्रियों को मैदान में उतार सकते हैं, वर्तमान विधायकों को उतार सकते हैं, बागियों को भी लेना पड़ रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस को जीतना है, कांग्रेस में अंदर खाने की चर्चाएं चल रही है, अंदर खाने के जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें यही बातें निकल करके सामने आ रही है। कांग्रेस किसी भी हालत में जिस प्रकार से पिछली 2014 की जो चुनाव में 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में चले गई थी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, अब उसको सुधारने के लिए इस बार अगर कांग्रेस को जीतना है और जीतने की जो चर्चाएं हो रही है उसमें देखा जाए तो कांग्रेस को किसी भी प्रकार से जीताऊ कैंडिडेट को उतारना बहुत जरूरी है। रहमत, मैं आपके पास आऊंगा, डॉक्टर अर्चना शर्मा तक जाना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं। अर्चना जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। धन्यवाद अर्चना जी। एक जिस बिंदु पे हम बात कर रहे हैं, जिस सारे इस माहौल में, जिस तरीके से लोकसभा 2019 का आगाज हो चुका है, पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार तलाश रही है, तो इस बार राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों को तलाशने में क्या क्या चीज जोड़ेगी और क्या क्या चीज घटाएगी? देखिए, अब माहौल की चर्चा तो इसलिए क्योंकि ऑप्टिक्स ऐसा क्रिएट किया गया है, जो आर्मी का फीट है उससे अपना पराक्रम बताकर और उसका चुनावी फायदा सत्ताधारी पार्टी उठाना चाहती है और राष्ट्रवाद के नाम पर भ्रमित भी करना चाहती है। लेकिन हमारा जिस तरह के चयन प्रणाली रही है, हम एक संजीदा पार्टी है जहाँ मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ना हमें आता है और भ्रम की राजनीति का पर्दाफाश भी हम करना बखूबी जानते हैं, और जो लहर पे सवार होकर सत्ता में काबिज हुए थे वो काट की हांडी थी, फिर से नहीं चढ़ेगी। तो हमारा ये मानना है कि जो सबसे मुफीद हमारे लिए होगा वो ये होगा कि लोकप्रिय हमारा प्रत्याशी, सर्व स्वीकार्यता उसकी हो और वो कर्तव्यनिष्ठ हो, पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा भी हो। तो सारे मापदंडों पर खरा उतरने वाले प्रत्याशी को हम चुनाव में उतारेंगे। और देखिए, हमारी चुनावी जो तैयारी है उसका आगाज तो हो ही चुका, कल से हमारी सभाओं की हमने घोषणा की थी, आज 2 सभाएं हो चुकी है, कल 3 सभाएं, परसों 3 सभाएं, यानी हम तैयारी के तौर पर उनसे आगे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि फांसीवादी ताकतों को बाहर करना है, और राजस्थान में हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार ने जिस प्रकार से जनता के प्रति समर्पण के साथ काम किया है, मैनिफेस्टो के कमिटमेंट्स को पूरा करना शुरू किया है, जो मुख्य मुद्दे थे किसानों की त्रासदी के उससे उन्हें राहत दिलवा रहे हैं, युवाओं की बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा उसे एड्रेस करने का प्रयास हो रहा है, बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें जिनको लेकर के हम चुनावी समर में आए थे और उन कमिटमेंट्स को पूरा किया है, तो जनता का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और प्रत्याशी के चयन में भी बहुत गंभीर, अर्चना जी, क्या इस बार जो उम्मीदवार तय किए जाएंगे उसमें जातिगत समीकरण भी देखे जाएंगे? देखिए अतुल जी, जाति व्यवस्था भारत की एक वास्तविकता है, लेकिन जहां तक कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस का ये मानना रहा है कि सभी समाजों धर्मों को साथ लेकर चलना है और सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सभी जगह इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, क्षेत्रीय नेताओं की क्या आकांक्षा है और कौन सबसे मुफीद और सबसे लोकप्रिय और सबसे उचित प्रत्याशी होगा। जिस तरीके से जयपुर सिटी ले लीजिए, जयपुर सिटी ले लीजिए, जिसमें बार बार ये कहा जाता रहा है कि ब्राह्मण बाहुल्य कैंडिडेट हरदम रहे हैं, तो इस बार भी इस तरीके का कैंडिडेट ढूंढा जा रहा है, ब्राह्मण बाहुल्य कैंडिडेट? देखिए, कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस चीज को कहा हो ऐसा मैंने तो नहीं सुना। ये बात ठीक है कि मीडिया के माध्यम से कयासों के तौर पर या आम जनता की भावना के अनुरूप ये बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि इन चीजों से ऊपर ये सोचना है कि कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, किसके प्रति जनता विश्वास कर सकती है, और आगामी समय में देखिएगा ये चीजें गौण होंगी
और श्रेष्ठ लोगों का चयन करके जनता के आकांक्षा के रूप प्रत्याशी उतारेंगे। महिलाओं की कितनी भागीदारी देखी जा सकती है? देखिए, उम्मीद बहुत ज्यादा है इस बार कांग्रेस पार्टी को भी और पूरी जनता को भी, क्योंकि सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी उन्होंने लिया, सार्वजनिक उद्घोषणा के माध्यम से उन्होंने सूचित किया पूरे देश को कि महिला सहभागिता के लिए राजनीति में वे बहुत ज्यादा कृत संकल्पित है। जब उपाध्यक्ष बने थे राजस्थान की धरा पर राजधानी में जयपुर में, तभी उन्होंने आपको ध्यान होगा कहा था कि 50% महिलाएं सीएम और पीसीसी प्रेसिडेंट होनी चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। उन्होंने कहा भी कि इसके लिए आवश्यक है कि ग्रास रूट लेवल से ग्रूमिंग की जाए। कल ही उन्होंने कहा है कि सिर्फ राजनीति में नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 33% आरक्षण देगी कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज होने के बाद। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा प्रतिनिधित्व। राजस्थान में महिलाओं की राजनीति के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने ऐसी ग्रूमिंग करी है? अब देखिए, ये तो आपको आकलन करना है कि या नहीं कि आप भी सुधी कह सकते हैं जर्नलिज्म के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आप इस चीज को महसूस करेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान में महिलाओं को दी गई है और आपके साथ मुझे भी काम करते लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं। तो ये तो पार्टी का ही प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को उचित स्थान देता है, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति, उनकी क्षमता की अभिव्यक्ति का एक अवसर देता है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए कृतसंकल्पित है। चले, और बागी नेताओं का कहीं आना जाना, जिस तरीके से जनता पार्टी में तो अब भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं ना कहीं बागियों का मान मनोबल चालू हो गया है, उनका देखा जा रहा है, घर वापसी एक शब्द हम कह दें, हम मीडिया वाले तो इसी तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं, घर वापसी शायद वहां होना शुरू हुई है, आपके यहाँ भी कुछ घर वापसी शुरू होगी? देखिए, जहां तक उन लोगों की बात है जो किसी आवेशवश पार्टी से छिटक गए थे और कुछ उनकी भावनाओं के अनुरूप उन्हें नहीं लगा कि निर्णय हुआ है और वो पुनः आना चाहते हैं और अपनी प्रेरणा से वो ऐसा करते हैं, तो पार्टी हाईकमान इस पर निर्णय करेगा। लेकिन अवसरवादी नहीं है हम लोग। आप देखिए कि बीजेपी ने जिस प्रकार का राज चलाया, मैन्युफैक्चर किया मैंडेट को, जिन लोगों को दुत्कारते रहे भ्रष्टाचारी कहकर, उन्हें चुनावी मजबूरी के कारण गले भी लगाने का काम, ऐसी स्थिति कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस अपने लोगों को सहेजना भी जानती है, नाराजगी दूर भी हम कर सकते हैं, लेकिन कमोबेश हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि वो व्यक्ति हमारी विचारधारा का समर्थक होना चाहिए, हमारे प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए और उसके जो कारण है वो जनता की समझ में भी आने चाहिए कि ये अमुक अमुक कारण थे जिससे व्यक्ति की स्वीकार्यता पार्टी में हुई है। तो अवसरवादिता की यहाँ पर कोई स्थान नहीं। अच्छा, दूसरा, युवाओं का क्या खास रोल रहेगा इस बार? युवा नेता क्या निकल कर आएंगे या युवाओं का कुछ, इन 25 उम्मीदवारों में से कोई युवा भी ऐसे दिखाई देंगे जो नए होंगे? देखिए अतुल जी, युवाओं को महत्व देना, राजनीति में आगे बढ़ाना, इसके प्रतिमान तो हमने विधानसभा चुनाव में भी खड़े किए और हमने जिनको टिकट दिए उनमें से काफी जीत कर दिया है। तो युवाओं का, महिलाओं का, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इसे सुनिश्चित करने का काम करें। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जिस तरीके से बागी होते हैं लोग, उसका एक सबसे प्रमुख कारण होता है कि पैराशूट कैंडिडेट खड़े कर दिए जाते हैं, उसके कारण वहाँ के जो कैंडिडेट होते हैं वो नाराज हो जाते हैं कि हम लोग हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी पैराशूट कैंडिडेट खड़े कर दिए जाते हैं, इससे किस तरीके से निजात पाएंगे? देखिए अतुल जी, ये राजनीति है और राजनीति में सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो होता है वो व्यक्ति का चरित्र और उसकी विनेबिलिटी है और उसकी लोकप्रियता। ऐसी अवस्था में पार्टी कई बार ऐसे निर्णय लेती है जो कि पार्टी के लिए मुफीद होते हैं और किसी कार्यकर्ता को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसके अधिकार का हनन हुआ है। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज होना आवश्यक है, तो ऐसे में पार्टी उन सभी गुणों को देखती है, अवगुणों को भी देखती है और उसके बाद जो श्रेष्ठतम चयन होता है उसे करती है। ये बात सही है कि 200 लोग मांग रहे हैं तो एक ही को मिलेगा, तो ऐसे में नाराजगी होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं जहां तक समझती हूँ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्षणिक आवेश में आ सकते हैं लेकिन अंतोगत्वा पार्टी के लिए निष्ठा के साथ काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल, एक चीज जो जहन में आ रहा है लोगों के जहन में आ रहा है, ये आम जनता से जहां हम बात करते हैं, आम जनता के बीच में बैठते हैं, तो आम जनता कहती है कि कांग्रेस में कहीं दो धड़े होने लगे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में हो या कैसे भी हो, हर चीज पे कहीं ना कहीं फैसला दिल्ली से होता है। तो क्या ये इस बार भी कुछ इस तरीके की गणित आवाजाही दिल्ली जयपुर के बीच में चलती रहेगी और किसी तरीके से ये निर्णय के समय में कुछ दिक्कत आएगी? मुझे नहीं लगता अतुल जी, क्योंकि देखिए जो बाहर से देखता है अंदर नहीं होता और हमेशा हम जो सोच रहे हैं वही सच्चाई, ऐसा नहीं। और राजनीति तो कयासों का क्षेत्र है और इतना व्यापक और विस्तृत क्षेत्र है कि विश्लेषण कैसे भी और विवेचना की जा सकती है, लेकिन हम लोग एकमुखी हैं, सब एक साथ मिलकर के काम करें। यही कारण हम सत्ता में काबिज हुए इस बार। तीनों हार्टलैंड जो है, हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स है उसमें,
और आगामी समय में जो भारतीय जनता पार्टी को बहस सता रहा है वो भी इन्हीं राज्यों को लेकर के है। और विशेषकर राजस्थान का महत्व इसलिए है क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर जनता भी शांतिप्रिय और जनता जनादेश को भी उसी प्रकार देना चाहती है जो उसकी भावना के अनुरूप होता है। तो यहाँ जनता का मन कांग्रेस के प्रति बहुत आकर्षित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उच्चाटन है। तो मान करके चलिए कि मैं सुखी होकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के छाते के नीचे चुनाव लड़े थे और आगे भी लड़ते रहेंगे और जो विधानसभा चुनाव के परिणाम थे उससे बेटर रिफ्लेक्शन आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और वो इसका परिणाम है कि जनता ने हम पर विश्वास इसलिए किया है कि हमने जो योजनाएं अभी शुरू करके और धरातल पर उतारी और जनता ने स्वीकार कर लिया और जनता को विश्वास हो चला है कांग्रेस जो कहती है वो करती है। चलिए जाते जाते ये बता दीजिए कि इस बार लोकसभा चुनाव में खासकर कुछ कैसे प्रमुख मुद्दे होंगे, जो खास पांच ऐसे मुद्दे बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी खासकर इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। देखिए मुख्य रूप से तो बीजेपी चाहेगी कि एयर स्ट्राइक और धर्म और जाति के आधार पर विघटन पैदा करे, जनता को भ्रमित करे। लेकिन कांग्रेस मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी जिसमें से मुख्य रूप से महंगाई है, बेरोजगारी है, बिगड़ी अर्थव्यवस्था है, महिला उत्पीड़न और किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी प्रमुख रहेंगे। और यही मुद्दे जो आज जनता इसके जवाब चाहती है। तो इन टॉपिकल इश्यूज पे भारतीय जनता पार्टी जनता को भ्रमित न करे इसका पूरा ध्यान रखेंगे और मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए ये एक एक जब आपने किसान वाली बात कही तो मोदी जी जब चूरू में आए थे प्रधानमंत्री तब उन्होंने कहा था कि हम तक वो लिस्ट नहीं पहुंची है जिससे हम कर्ज माफी कर सके किसानों की, तो ये क्या तारतम्य की कहीं कमी है? देखिए मैं बहुत विस्मित भी हूँ और आहत भी हूँ प्रधानमंत्री की ऐसी जो वक्तव्य आते हैं उनसे, उनके ऐसे उद्गार जो है उनकी उस छवि पद की गरिमा के खिलाफ है जिसको सुशोभित करते हैं। उन्होंने एक योजना की उद्घोषणा की बजट के माध्यम से और उसके बाद उसे मूर्त रूप देने की जो प्रक्रिया होती है उससे अक्षरशः कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में लागू करना शुरू कर दिया। हमने एक पोर्टल भी बनाया और लगभग 26 लाख के करीब किसानों का डेटा उस पर कंपाइल भी किया, जमाबंदी से मिलान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी और उसे भी अपलोड कर रहे हैं। लेकिन विस्मित करने वाली बात तो यह है कि सरकार की योजना जो केंद्र सरकार की योजना उसमें समझ में नहीं आया सरकार चाहती क्या है, लघु सीमांत किसानों की श्रेणी क्या होगी और उसमें ये भी कई परिवार ऐसे होते हैं जिसमें कई लोगों के नाम से जमीनें होती उसे कंपाइल करना पड़ता है, रिकंसाइल करना पड़ता है और सारे रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ता है। डिजिटल दुनिया है इस समय, लेकिन सरकार के स्तर पर ऐसी बातें कही जाना विशेषकर प्रधानमंत्री के मुख से इस बात का सूचक है कि हर चीज का राजनीतिकरण करके अपनी विफल सरकार के कार्यकाल पर पर्दा डाल करके और कांग्रेस पे दोषारोपण की नीति से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे, ये दुर्भाग्य देश का है। चलिए अर्चना जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि आपका नाम भी हम कहीं सुन पाए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ रहमत अभी जुड़े हुए हैं इस वक्त स्टूडियो से। रहमत आपने पूरी चर्चा सुनी, अर्चना जी ने कहा और अर्चना जी ने ये कहा कि हम सारे मुद्दों का ध्यान रखेंगे, तो क्या लगता है गाये बगाए आप भी बहुत सारे नेताओं से मिलते रहते हैं, बहुत सारे नेताओं से बात होती रहती है, आपको क्या लगता है कि इस सारे बिंदुओं पर क्या कांग्रेस चलेगा जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा अर्चना जी ने कहा, क्योंकि मैं अर्चना जी और कांग्रेस को एक ही मुद्दे पर लेकर बात कर रहा हूँ, तो क्या लगता है आपको कि इस ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं काबिज होंगे इस बार इस चुनाव? देखिए मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस ने जब पिछली विधानसभा चुनाव में जो है मुद्दों पे चुनाव लड़ा, विकासों के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा और इस बार भी मुद्दे हैं, लेकिन जातिगत समीकरण बहुत कांग्रेस भी है चाहे भाजपा पार्टी की बात करें, पार्टी है जब भी है तो जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटों का वितरण करती है, क्यों जातिगत देखना जरूरी है पार्टियों के लिए, नहीं तो एक जाति को दो तो दूसरी जाति नाराज हो जाएगी, इसके चलते कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है। तो जातिगत समीकरण के आधार पर भी टिकटों का वितरण होता है, मुद्दे भी जरूरी है, किसानों के मुद्दे हो, बेरोजगारी मुद्दे हो, महिलाओं के मुद्दे हो, जो मुद्दे हो। और फिलहाल में जो राफेल का मुद्दा है लगातार पिछले काफी दिनों से राहुल गांधी ने उठाया था, अब उसको भी अभी भी कांग्रेस पार्टी उठा के ही चल रही उस मुद्दे को लेकर के, उस मुद्दे को भी इसी लोकसभा चुनाव में भुनाने की काफी कोशिश करेगी कांग्रेस। जी अतुल जी, और इसके अलावा महिलाओं के मुद्दे, महिला उम्मीदवार जिस तरीके से इन्होंने कहा अर्चना जी की महिला उम्मीदवार हमने ग्रूम की है, महिला उम्मीदवार आएंगी, आपको क्या लगता है ऐसे कोई बड़े नाम आपको नजर आते हैं कि इस बार ये महिला उम्मीदवार आपको चुनाव में दिखेंगी?
देखिए जिस प्रकार से महिलाओं की बात करें, महिला राजस्थान में काफी महिलाएं, हालांकि राहुल गांधी ने कई बार पैरवी की है कि 33% महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए, और जयपुर में भी अर्चना शर्मा खुद एक मजबूत कैंडिडेट है, यानी मजबूत है, मजबूत है, इसके आधार पर काफी है प्रदेश की एफकेसी, काफी महिलाएं हैं जो अपने आप में एक बलबूता, अपने क्षेत्र में बलबूता रखती है और वो जीतने के लिए भी काबिल है। और जयपुर में ज्यादातर जो जीतने वाले कैंडिडेट है ब्राह्मण को टिकट अगर होता है तो जीत सकती है, लेकिन अब इस पर कुछ पुष्टि नहीं की जा सकती कौन जीतेगा, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से लोगों में जो चर्चाएं चल रही उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन महिलाओं पर काफी रिहाना रियाज क्या लगता है नागौर से, नागौर से और चूरू से रहमत नागौर से क्या ज्योति मिर्धा को वापस रिपीट किया जा सकता है अगर महिला कैंडिडेट की बात करें? बिल्कुल, ज्योति मिर्धा का नाम भी, महिला अगर कैंडिडेट की बात करें तो ज्योति मिर्धा का भी नाम चल रहा है, पैनल में भी बता रहे, चर्चाओं में है, कयासों में यही बता रहे कि ज्योति मिर्धा का नाम चल रहा है, और जयपुर से जिस प्रकार अर्चना शर्मा है या फिर चूरू से अमिता बेगम है या रिहाना रियाज है, इन प्रकार के नामों पर चर्चाएं चल रही है। फिलहाल अब सेट करना किनको टिकट देना किनको नहीं देना ये पार्टी का अंदरूनी मामले होते हैं, वो बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने 33% महिलाओं को पैरवी की थी, अगर उस पर अगर चल, क्या आपको ऐसी कोई सीटें नजर आ रही है जो जातिगत समीकरण पे दी जाएगी? देख जातिगत समीकरण पे अगर दी जाने की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की अगर फिलहाल बात करें तो जोधपुर और बाड़मेर सीट है, और बाड़मेर सीट है तो वहां पर जाट भी है और मुस्लिम भी है और राजपूत भी है। अब वहां पर मानवेंद्र सिंह को पिछले दिनों जिस विधानसभा चुनाव में उनको पार्टी में वो शामिल हुए, उनका जो जो उन्होंने कहा, उनका हमेशा यही इच्छा है कि वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे, इस बार मानवेंद्र भी लाइन में है और हरीश चौधरी भी मंत्री है, वो अब वो भी टिकट लेना चाहते हैं। अब वहां पर भी अगर वहां पर दो विधायक, हरीश चौधरी भी विधायक है और हेमाराम चौधरी जाट विधायक है, अगर वहां पर जाटों को टिकट मिलती है तो एक को मंत्री बनाना, मंत्री पद को छोड़ना भी जरूरी है, और मानवेंद्र को कहां सेट कर, ये भी पार्टी के लिए एक विडंबना बनी हुई है। अब इस ऐसे कई जो है, चलिए समय कम है, समय कम है रहमत, हमारे पास युवाओं, युवा चेहरा कोई नजर आता है आपको कि इस बार कोई ऐसा युवा चेहरा निकल कर आएगा जो कभी अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है परंतु पहली बार चुनाव लड़ेगा, ऐसा कोई युवा चेहरा? युवा चेहरा अतुल जी बहुत है, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी अब इस बार अगर कांग्रेस जब टिकटें वितरण करेगी, कांग्रेस अब खुद भी अपने आप पर सोच रही है किस आधार पर हम टिकट वितरण करें कि हम जीते हैं 25 की 25 राजस्थान की सीटें वो निकालें, लेकिन ये कांग्रेस के युवा चेहरे में रहमत है, युवा चेहरे में सबसे बड़ा नाम, युवा चेहरे में सबसे बड़ा नाम वैभव गहलोत का कहीं ना कहीं गायब बगाये लिया जा रहा है राजनीतिक हलकों में, यह हमारा देखने का बिंदु है कि सवाई माधोपुर से उन्हें टिकट मिलता है या टोंक से टिकट मिलता है, सवाई माधोपुर टोंक से टिकट मिलता है या जोधपुर से मिलता है, ये सारे समीकरण तो अब धीरे धीरे निकल कर आएंगे। चलिए हम इस चर्चा को आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे अलग अलग तरीके से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और सबकी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे लोकसभा चुनाव 2019 के जरिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।